Morning, everybody. Now we will have to discuss our second poem from our main course book, that is Rebel, and it is written and designed by DJ in Wright. Everybody can understand the word rebel. Everybody can understand the word rebel. अब जैसे मैं कह सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ इसमें में कि जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं कि यू शुडंट हैव टू गो फॉर टॉयलेट एंड वाटर फिलिंग ऑफ वाटर बॉटल टू द वाटर पॉइंट ड्यूरिंग द क्लासेस आवर. बट वी कैन से और यू कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो वहाँ पे जाते हैं और बॉटल फिल करके आते हैं. सर स्पोर्ट्स पीरियड है, सर हम लाइब्रेरी से आ रहे थे तो हमने फिल कर लिया. क्या है ये? दैट इज अ पार्ट ऑफ रिबल. दैट इज अ पार्ट ऑफ रिबल. हम कह सकते हैं ना कि हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसके बियॉन्ड जाना, उसको पार करना, उसको क्रॉस करना, उसको ओवरटेक करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिबल. दैट इज अ टर्म रिबल को डिफाइन करता है. ठीक है, आपके पोएम में जैसे कि बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि जो कि एक रेबलर जो होता है, यानी कि जो रेबलर का एक हिंदी वर्ड होता है, दैट इज विद्रोही. ठीक है, जो विद्रोह करता है. रेबलर जो होता है वो बहुत सारे एन नंबर ऑफ वर्क्स करता है जो कि एक नॉर्मल पीपल नहीं करते हैं. ठीक है, पोयम के माध्यम से अब जो पोएट है वो ये समझाना चाहता है कि रेबलर है. ठीक है, रेबलर हर पोर्शंस में, हर सोसाइटी में हमें एक रेबलर मिल जाता है, लेकिन हमारे पास रेबलर का होना भी जरूरी है और नहीं भी. नहीं इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कॉमन नहीं है. ठीक है, नहीं इसलिए जरूरी क्योंकि वो कॉमन नहीं है, और होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके वजह से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. ठीक है, अब जैसे कि हमारे पोयम में है कि जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे क्लासेस में होते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं नॉर्मल बाल रखते हैं, हेयर कट जो उनका होता है नॉर्मल होते हैं, बट कुछ लोग हैं जो स्टाइलिश और बहुत अजीब तरह के हेयर कट रखते हैं. दैट इज अ रेबलर. ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो क्लासेस को चलने देते हैं, नॉर्मल चलता है, सारे लोग सुनते हैं, सारे लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं, सारे लोग कुछ नोट डाउन करते हैं, बट एक रेबलर जो होता है उसको कुछ ना कुछ काम होता है. ठीक है, वो कभी लंच बॉक्स देखेगा, कभी टिफिन देखेगा, कभी बैग्स देखेगा, कभी दूसरे किसी को देखेगा, बट ही इज नॉट able to pay attention towards the classroom or towards the teacher, what the teacher is teaching over there. ये उसके तरफ ध्यान नहीं देता, ये इसका ध्यान कहीं और होता है. और जब सारे बच्चे जब समझ चुके होते हैं तो रेगुलर खड़ा होता है, सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव टॉट ओवर हेयर, सो प्लीज रिपीट इट अगेन. वो एक कंडीशन होती है, उसको ध्यान ना देगा, अच्छा मैं तो क्लास में बैठा हूँ, मुझे एक बार समझना चाहिए. तो ये एक रेगुलर का एक ये भी फॉर्म है. ठीक है, ये भी रेगुलर एक कर सकते हैं. अब जैसे नॉर्मल है, अब जैसे मान लो कि हम लोग बहुत अच्छे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सारे बच्चे बहुत सारे अच्छे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, लेकिन एक रेगुलर ये होता है जो हमारे रॉन्ग यूनिफॉर्म में आएगा. कभी व्हाइट पीटी शू पहन लेगा, जो नॉर्मल ड्रेस हैं उसमें व्हाइट पीटी शू पहनेगा, फिर अगर व्हाइट पीटी शू या फिर कलर हाउस का ड्रेस का दिन है तो उस दिन नॉर्मल जो हम लोग मंडे ट्यूजडे का ड्रेस पहनते हैं वो पहन के आ जाएगा. दिस इज द टाइप ऑफ रेगुलर. ये हमारे रेगुलर है जो हमारे बीच में ही है और अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ये आप इनको जज कर सकते हो. ठीक है, फिर अब जैसे बहुत सारी जगह अगर मान लो एक कॉमन पीपल्स बैठे हैं, वहां पे डिस्कशंस हो रही है कि ओके एवरीबॉडी लव डॉग, बट वो जो रेगुलर होगा बोले नो नो सर, नो नो मैम, आई लव टू हैव अ कैट, मेरे को डॉग पसंद नहीं है, मेरे को कैट चाहिए. लेकिन जब सब लोग बोलेंगे कि ओके हम लोग को कैट पसंद है, तो वो एक अकेला इंसान होगा, अकेला रेबलर होगा जो ये बोलेगा कि नहीं हमें डॉग पसंद है. ठीक है, तो दैट मींस जस्ट अपोजिट ट्रैक जो चूज करता है दैट इज कॉल्ड रेबलर. यही सारी चीजें आपके पॉइंट्स में बताई हुई हैं. और जैसे एक होता ना कि हम लोग स्कूल जाना है तो वो स्कूल नहीं आएंगे, वो स्कूल नहीं आएंगे. जैसे रोज रेगुलर पढ़ाई हो रही है तो वो स्कूल नहीं जाएंगे. ठीक है, लेकिन कभी ऑफ करेंगे, कभी गैप करेंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, लेकिन वो रेगुलर डे में स्कूल्स नहीं आएंगे. लेकिन अगर स्कूल की तरफ से कोई एक्टिविटी हो रही हो, जैसे एक ह्यूमन चेन बनाया जाना हो या फिर कुछ बनाया जाना हो या फिर स्कूल की तरफ से कुछ कहीं जाना हो, वो डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे. दैट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर. वो भी आप देख सकते हो, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे इस तरह से बिहेव करने वाले होंगे. हमारे स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो वो उस दिन आ जाएंगे. ठीक है, क्विज हो रहा होगा तो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और चीज के लिए वो
अप्रिशिएट करेंगे. तो दिस इज द टाइप ऑफ रेबेलर. तो हमें जो डीजे इन राइट है, जो इस चैप्टर के, इस पोयम के जो पोएट हैं, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि रेबेलर जो है वो तो हर पोर्शंस में, हर सोसाइटी में मिल जाता है, लेकिन रेबेलर होना भी एक बहुत बड़ी चीज है. रेबेलर की वजह से, अब जैसे मान लो एक रेबेल करता है, एक विद्रोही जो है वो हमें बताता है, वो हमें एक अलग तरह की सोच बताता है. अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर हमारे जो, जब हमारा कंट्री ये था, गुलाम था अंग्रेजों से, तो एक रेबेलर ही थे जो उसके अगेंस्ट सोचते थे. ठीक है, एक विद्रोही जो थे उसके अगेंस्ट सोचते थे. तो अगर वो ना होते तो एक हमारे देश में, हमारे मन में आजादी की भावना नहीं आती. दिस इज द पार्ट ऑफ रेबेलर. ये भी एक रेबेलर का पार्ट है जो कि अच्छा है. तो अच्छा और बुरा डिसाइड करना हमारे हाथ में है. व्हाट वी हैव टू चूज, दैट इज इन आवर हैंड. सो लेट अस गिव एन एग्जांपल टू अदर्स बाय डूइंग राइट थिंग बाय आवरसेल्फ. दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट पर्सन. परफेक्ट हर कोई नहीं हो सकता, परफेक्ट बनने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है. सो रेबेलर ना होके, रेगुलर की क्वालिटी कुछ अपने अंदर अडॉप्ट करो जिसके वजह से थोड़ा सा फायदा हो, बट नॉट अ नेगेटिव रेगुलर. एक नेगेटिव रेगुलर नहीं, अ पॉजिटिव रेगुलर कैन मेक ओवर टू योर लाइफ. आपकी लाइफ को मेक ओवर कर सकता है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ पोएम. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक आउट द क्वेश्चंस बाय जो टेक्स्ट में है, और उनके थ्रू उनके आंसर्स आपको करने हैं इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. और इफ यू डिडंट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, जस्ट लेट मी नो बाय माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल लेट यू नो एंड मेक श्योर कि वो चीजें मैं दोबारा आपको समझा पाऊं. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.